सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपके ब्लड ग्रुप के बारे में। आप सबको पता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, जिसमें अपना लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप। मैं 100% आपको ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो चलिए इस चीज़ को अपन डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ लिया जाए तो जो भी मैंने यहाँ लिख रखा है ये आप करके आओगे तो इतना इनफ है, और समझने के अकॉर्डिंग भी आपके लिए एकदम इनफ है। इससे बाहर आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा उससे के अंदर आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले होता है कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को एबीओ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए एबीओ सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, तो एबीओ सिस्टम मतलब वो आपको ब्लड ग्रुप के बारे में ही पूछ रहा है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एबीओ ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, एबीओ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आ जाती है कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आज। कहानी यह है कि ये कहानी स्टार्ट होती है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस टाइम तक क्या था, किसी को ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, लोगों के मतलब घायल होने लगे, मरने लगे, तो उनका जो ब्लड था उस ब्लड को क्या किया, क्योंकि पहले ये भी तो सिस्टम था ना कि खून तो लाल होता है तो सब में खून सेम होगा, तो ये चीज पहले किसी को पता नहीं थी ब्लड ग्रुप के बारे में। लेकिन फिर क्या हुआ उस वर्ल्ड वॉर के टाइम कि एक आदमी का खून था वो दूसरे के लगा दिया, क्योंकि उस टाइम युद्ध हो रहे थे, जो सैनिक थे सोल्जर थे वो मतलब सीधी सी बात है उनके लग रही थी, उनके खून भी निकल रहा था, तो इसका खून उसको दे दिया गया। तो जब ये चीज देखा तो ये चीज जब 10 लोगों पर की गई तो 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग जिंदा बचे, बाकी के ब्लड के लगाते ही क्या हो गए, मर गए। अब ये चीज हुई कि भाई ये कैसा हो गया। उस टाइम थे जो लैंड स्टीनर था उनका नाम काफी प्रचलित था, क्योंकि उन्होंने हर चीज के बारे में उनको पता था, तो सब उनके पास गए कि भाई ये क्या चीज हुई कि मतलब खून तो सबका लाल है लेकिन इसका खून इसको लगा दिया तो वो मर गया। फिर उन्होंने उस चीज पे रिसर्च की, क्या रिसर्च की वो बनपा आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि आपका लैंड स्टीनर थे, इन्होंने 1900 के अंदर क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, आपके लैंड स्टीनर को बोला जाता है। अब इसके अंदर आपको दो टर्म्स है ये ध्यान रखना चाहिए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, क्योंकि ब्लड ग्रुप रहता है आपका, जो ब्लड रहता है उसके अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड आपकी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एंटीजन कहां प्रेजेंट रहेगा, एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट रहेगी। तो याद रखिएगा जो आपकी आरबीसी रहेगी, जो आरबीसी रहेगी, आरबीसी की जो सरफेस रहेगी उसके ऊपर तो क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। अब आपको सबको पता है कि जो ब्लड है, अपने ब्लड की लेक्चर ली थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्लड है वो ब्लड क्या होगा, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो किसे मिलकर बना होता है, एक तो आपके प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, एक तो किसमें, प्लाज्मा से, एक आपके जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, फॉर्म एलिमेंट होते हैं उनसे। फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन सा आ गया, आपकी आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, प्लेटलेट्स आ गए। तो जो आपकी फॉर्म एलिमेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी आरबीसी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके एंटीजन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब एंटीजन्स क्या होते हैं इनको भी आगे डिटेल में देख लेंगे। फिर जो एंटीबॉडी रहेगी, ये एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट रहेगी, आपके ब्लड की प्लाज्मा में। तो ब्लड होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, चीज अपन ने डिटेल में पढ़ ली, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। तो जो आपका एंटीजन रहेगा वो तो फॉर्म एलिमेंट में जो आपकी आरबीसी रहेगी उसके सरफेस पे रहेगा, एंड जो एंटीबॉडी रहेगी वो आपके किस में प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा बोल दीजिए आप, सीरम बोल दीजिए, ओके, इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये चीज मैंने पहले भी बता दी थी, मेरे को ये बताना है कि सीरम किसको बोलते हैं, सीरम किसको बोलेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। फिर देखिए जो आपका ब्लड ग्रुपिंग था, मतलब जो एंटीजन एंड जो एंटीबॉडी रहती है, ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती है, उस प्रोटीन का आपसे नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब जो आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी रहेगी ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो ब्लड ग्रुप थे, फिर जो लैंड स्टीनर थे उन्होंने इस चीज को खोजा वर्ल्ड वॉर के दौरान कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। फिर इन्होंने बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर इंसान का खून तो लाल है लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप किसके अकॉर्डिंग, बताया इन्होंने, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। इस आधार पर इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप लाल तो है, ब्लड लाल तो होता है, लेकिन क्या होता है, ब्लड टोटल कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इसके बारे में इन्होंने डिटेल से एकदम चीज को देखा कि क्या था। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिरकार इस ब्लड ग्रुप का कैसे पता लगेगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप एबी है। फिर इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, किस तरह की उसमें एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, किस तरह से उनमें एंटीजन है ये देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की। तो जिसका ए ब्लड ग्रुप रहेगा ना, उसकी जो आरबीसी रहेगी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह के एंटीजन देखने को मिलेंगे। कैसे, राउंड कलर के एंटीजन आप मान लीजिए, मतलब आरबीसी की सरफेस पे सिर्फ सिंगल एक ही तरह के एंटीजन आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, वो एंटीबॉडी रहेगी उसके प्लाज्मा में, क्योंकि याद रखना
आरबीसी रहेगी, आरबीसी की जो सरफेस रहेगी उसके ऊपर तो क्या रहेगा आपका एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, एंड जो आपकी प्लाज्मा होगी, जो आपकी प्लाज्मा होगी उसके अंदर क्या रहेगा, जो प्लाज्मा होगी लिक्विड पार्ट है डिसॉल्व पार्ट है उसके अंदर आपकी एंटीबॉडी, उसके अंदर क्या रहेगी आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। तो फिर इन्होंने बताया कि जिसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह के एंटीजन देखने को मिलेंगे तो उनकी प्लाज्मा रहेगी, उस ब्लड की जो प्लाज्मा रहेगी उसके अंदर एंटीबॉडी किस तरह की होगी, बी तरह की होगी। फिर उनसे पूछा गया कि बी तरह की क्यों होगी भाई, जब ब्लड ग्रुप उसका ए है तो उसके अंदर बी तरह की एंटीबॉडी क्यों होगी, तो वो बी तरह की होगी मान लीजिए इसके अंदर यदि ए तरह की एंटीबॉडी होती, किस तरह की होती ए तरह की, तो ए तरह की एंटीबॉडी क्या होती इसके एकदम सेफ, देखिए इसकी एकदम राउंड थी तो इसके ऊपर क्या हो जाती अटैच हो जाती, इस पर यदि अटैक हो जाती तो खुद के ही ब्लड को क्या कर देती, खुद ही क्लॉट कर देती, तो उससे बचाने के लिए क्या है सोल्जर है, तो वो सोल्जर कौन है आपकी एंटीबॉडी बी है, वो सोल्जर कौन है एंटीबॉडी बी। मतलब बाहर से अब अदर और कोई ब्लड ग्रुप आ गया अपन ने उसको दे दिया तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो उसको किल कर देगी, तो इसलिए क्या है ये आपके सोल्जर होते हैं एंटीबॉडी बी। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसमें एंटीजन तो ए रहेगा उसकी आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन उसकी प्लाज्मा रहेगी उसमें जस्ट उल्टा रहेगा, एंटीबॉडी क्या रहेगी उसमें बी रहेगी। ठीक ऐसे ही फिर इन्होंने बताया ब्लड ग्रुप बी के बारे में, जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसकी आरबीसी की सरफेस पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, इनको दे दिया एंटीबॉडी बी, सॉरी एंटीजन बी नाम दे दिया, क्या रहेगी उनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट रहेंगे, तो उनकी जो ब्लड प्लाज्मा रहेगी उस ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट रहेगा ए, जस्ट इसके उल्टे वाला ए प्रेजेंट रहेगा। अब जिसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए एबी है कि जिसके आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर ए तरह का भी एंटीजन प्रेजेंट है एंड बी तरह का भी जो एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए तरह का एंटीजन एंड बी तरह का एंटीजन दोनों के दोनों यदि एंटीजन मतलब प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो उनकी प्लाज्मा रहेगी उसके अंदर एंटीबॉडी क्या रहेगी अब्सेंट रहेगी। सपोज कीजिए इनके अंदर यदि मान लीजिए ए वाले एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो ए वाले से बाइंड हो जाती तो ब्लड को क्लॉटिंग कर लेती, मान लीजिए एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती तो बी वाले से जुड़ जाती और इसको क्या कर देती ब्लड को क्लॉटिंग कर देती, इंसान को मार देती। इसलिए नेचर ने क्या किया कि जिसका ब्लड ग्रुप दोनों रहते मतलब जिसके आरबीसी की सरफेस पे ए एंड बी दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है उनको एंटीबॉडी क्या है बिल्कुल भी नहीं दी। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, देखिए एक्चुअल में जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने जीरो नाम दिया था ब्लड ग्रुप जीरो, मतलब जिसकी आरबीसी की सरफेस पे किसी भी तरह के एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको जीरो से डिनोट कर दिया, लेकिन बाद में थोड़ा सा अजीब सा लगा कि जीरो तो कैसे हो सकता है, तो इसको क्या दे दिया ओ के जैसी स्ट्रक्चर थी तो इसको क्या दे दिया ब्लड ग्रुप ओ दे दिया, क्या ब्लड ग्रुप दे दिया ओ। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ था उसकी आरबीसी की सरफेस पे किसी भी तरह के एंटीजन थे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे। अब सीधी सी बात है आरबीसी की सरफेस पे किसी भी तरह के एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ब्लड प्लाज्मा होगी उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों के दोनों एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी आरबीसी की सरफेस को देख के बता देते हैं आपका ब्लड ग्रुप ए है बी है एबी है या आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ओके, अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं जो ब्लड ग्रुप रहता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किससे क्या कर सकता है ब्लड ले सकता है। तो देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है मतलब किससे ब्लड है वो डोनेट कर सकता है मतलब ले सकता है उनसे, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो हमेशा किससे लेगा ए वाले ब्लड ग्रुप से एंड ओ वाले ब्लड ग्रुप से लेगा, क्योंकि ओ के पास क्या है ओ के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब उसके अंदर दोनों तरह की क्या है ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी है लेकिन आरबीसी की सरफेस पे तो है ही नहीं, तो उससे कौन सा ले लेगा ए वाला होगा वो ओ वाले से भी ब्लड ग्रुप डोनेशन ले लेगा। फिर जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी एंड ओ से ले लेगा डोनेशन ले लेगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्या होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये ए बी वाले से भी ले लेगा ओ वाले से भी ले लेगा बी वाले से भी ले लेगा एंड ओ वाले से भी क्या कर लेगा डोनेट कर लेगा खुद के अंदर ब्लड ले सकता है ये इंसान। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ओनली फॉर ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया आपका ब्लड ग्रुप ओ, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है देखिए सबको क्या कर रहा है सबको ब्लड ग्रुप दे रहा है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो यूनिवर्सल डोनर रहेगा एंड जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहेगा जिसका ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहेगा। ये यहां तक की तो चीज समझ में आ गई, लेकिन जिस टाइम फिर क्या हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होगी फिर वर्ल्ड वॉर क्या हुई सेकंड स्टार्ट हुई, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई तो सबके सब थे सबको पता चल गया था ब्लड ग्रुप के बारे में, लैंडस्टीनर ने सबको बता दिया था कि भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है आप उसको ए वाला दे दीजिए, जिसका बी है उसको बी दे दीजिए, जिसका ए बी है उसको ए बी वाला दे दीजिए, जिसका ओ है उसको ए वाला ब्लड ग्रुप दे दीजिए। लेकिन कुछ केस फिर ऐसे भी सामने आने लगे कि ए वाले को जब ए वाला भी ब्लड ग्रुप दे दिया बी वाले को बी वाला दे दिया, मतलब जिसका ओ था उसने सबको ब्लड ग्रुप दे दिया, फिर भी मतलब 10 में से 8 लोग थे वो तो जिंदा बच गए लेकिन 2 लोग फिर भी मरने लगे। फिर सबके सब वापस लैंडस्टीनर के पास आए कि भाई आपने तो ये चीज बताई थी
कि कुछ इस तरह का मैटर होता है कि मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसको ए वाले में दे दिया, बी आपने जैसे बताया वैसा का वैसा हमने किया, लेकिन फिर भी ये दो लोग क्यों मर गए। तो उनके सामने भी ये सवाल आ गया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। फिर इन्होंने और एकदम स्टडी की और उस स्टडी में इन्होंने क्या बताया, आरएच फैक्टर। किसके बारे में बताया कि ये दो लोग मरे हैं इनके लिए क्या है, आरएच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब आरएच फैक्टर क्या होता है, इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो अपनी वीडियो रहेगी, लेक्चर रहेगा, उसके अंदर अपन आरएच फैक्टर की बात करेंगे। यहां तक तो ब्लड ग्रुप क्या थे, चार तरह के थे, लेकिन जैसे ही आरएच फैक्टर ने एंट्री मारी वैसे ही टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए, आपके 8 ब्लड ग्रुप हो गए। यहां तक जो यूनिवर्सल डोनर था वो आपका ओ वाला था, लेकिन आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप था वो क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर था। लेकिन जैसे ही आरएच आया तो उसके अंदर अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप 8 टाइप के फिर इन्होंने बता दिए। 8 टाइप के कौन कौन से बता दिए, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। अब इनमें से कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, कौन सा डोनर होगा। तो यदि आपसे एग्जाम में सिर्फ ओ ही लिखा है तो क्या है, आपका यूनिवर्सल डोनर ओ रहेगा। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर में ए भी लिखा है तो ए भी सही है। लेकिन मान लो आपके एग्जाम के अंदर ओ नेगेटिव भी आ जाए, ओ पॉजिटिव भी आ जाए, ए भी नेगेटिव आ जाए, ए भी पॉजिटिव आ जाए, अब इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, एक्सेप्टर कौन सा है, ये पूछा जाए तो वो आपको आरएच फैक्टर के बारे में पता होगा। तब आप बता सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो उसके लिए आपको कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, आरएच फैक्टर। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।